नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में इस साल होगी बम्पर बहाली, जाने किन विभागों के 9543 पदों पर नियुक्ति करेगी बीपीएससी। अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे सीएम नीतीश, बोले कल कैबिनेट की विस्तार की संभावना नहीं। मुखिया जी की मनमानी पर नकेल, घर के 100 मीटर के अंदर नहीं बनेगा बूथ। बिहार के मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तारीखों में हो सकता है बदलाव, एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्रों की मांग। अब तांडव पर बिहार में बवाल, मुजफ्फरपुर में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया पर केस दर्ज। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में ईसीआई, राज्य के सभी कलेक्टर को दिया ये अहम निर्देश। बिहार के रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, बिहार में अनारक्षित ट्रेनों के लिए नया मंथली पास शुरू। भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, बिना सड़क बनाए ही पैसा निकालने वाले इंजीनियर समेत 8 पर FIR। बिहार दरोगा परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उठे सवाल, एक ही सीरीज के रोल नंबर वाले अभ्यर्थी हुए सफल। बिहार में कानून व्यवस्था से खुश नीतीश ने DGP को दिया इनाम, 2022 तक पद पर बने रहेंगे SK सिंघल, 8 महीने बाद होने वाले थे रिटायर। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सरकार रोजगार को लेकर बेहद गंभीर है, प्रदेश में इस साल सरकारी नौकरियों की बहार दिखेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग इस साल 2021 में अलग अलग विभागों में कुल 9543 पदों पर नियुक्ति करेगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाएं ली जा चुकी हैं, साल भर के अंदर ही अब इन पदों पर ज्वाइनिंग की भी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। आइए जानते हैं किस विभाग में कितने पदों पर BPSC करेगी इस साल नियुक्ति। बिहार में BPSC 64वीं संयुक्त परीक्षा के तहत करीब 1450 पदों पर बहाली करेगी, वहीं 65वीं संयुक्त परीक्षा के तहत 550 सीटों को भरा जाएगा, जबकि 66वीं संयुक्त परीक्षा के तहत 689 पदों की नियुक्ति की जाएगी। 66वीं संयुक्त परीक्षा की PT परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है। बिहार में रोजगार से जुड़ी हर हिंदी न्यूज से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ। बिहार में इस साल करीब 1284 असिस्टेंट इंजीनियर के पद भरे जाएंगे, जिसमें PHED, REO, PWD और राजभवन निर्माण विभाग में खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर बहाली के लिए आयोजित मेंस परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाना है। खरमास खत्म होने के साथ ही बिहार में NDA सरकार के कैबिनेट विस्तार की प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार शाम अचानक जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से कहा कि कल कैबिनेट के विस्तार की संभावना नहीं है, जल्द ही कैबिनेट के विस्तार होगा और विस्तार होने से पहले सबको बता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी चल रही है, बातचीत खत्म हो जाने के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। इस बैठक में दर्जनों नेता और कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले CM नीतीश का जदयू कार्यालय पहुंचना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के कई अन्य बड़े नेता वहां मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पार्टी दफ्तर में हो रही बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष RCP सिंह ने की। बिहार के साथ ही पार्टी के राज्य को बाहर भी मजबूत करने के लिए पार्टी में संगठन विस्तार को लेकर कार्य किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांव की सरकार के चुनाव में मुखिया जी की मनमानी ना चले, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर मतदान केंद्र नहीं होंगे। आयोग के निर्देश के अनुसार कोई भी मतदान केंद्र पुलिस थाना, अस्पताल या डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं बनाया जाएगा। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में 2 से अधिक चलंत मतदान केंद्र बनाने की आवश्यकता होने पर आयोग से इसकी पूर्वानुमति लेनी होगी। किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। बिहार विद्यालय समिति यानी बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 की तारीखों में बदलाव की पुरजोर मांग उठ रही है। फरवरी माह में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोग परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। तर्क में CBSE बोर्ड परीक्षा की तारीखों का हवाला दिया जा रहा है। बता दें कि CBSE बोर्ड परीक्षा 4 मई से आयोजित होगी, जबकि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2 फरवरी से शुरू हो रही है। ट्विटर पर कई लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार बोर्ड परीक्षा को स्थगित किया जाए। आग्रह किया गया है कि कोरोना संकट के कारण क्लासेज नहीं चली है, बहुतायत संख्या में छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है।
ऐसे हालात में अगर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाती है तो छात्रों को फायदा मिलेगा। ट्विटर पर पोस्टपोन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 के साथ लोगों ने बिहार बोर्ड से परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। बता दें कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। मैट्रिक परीक्षा 2021 का आयोजन 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी 2021 तक किया जाने वाला है, जबकि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। परीक्षाएं दो सत्रों में चलेगी। पहला सत्र सुबह 9:30 से लेकर 12:45 तक और दूसरा सत्र दोपहर 1:45 से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। वेब चैनल अमेजन पर रिलीज हुई सीरीज तांडव पर बिहार में बवाल शुरू हो गया है। राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में तांडव के निर्माता निर्देशक सहित कई अन्य लोगों पर परिवाद दायर किया गया है। बता दें कि रिलीज के बाद से ही यह सीरीज विवादों से घिर गया है। इस सीरीज पर मंत्रालय ने भी अमेजन को नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पंताही निवासी अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने CJS न्यायालय में परिवाद दायर कराया है, जिसमें अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर समेत अन्य पर परिवाद दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने मामले को ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित किया है। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले ECI की टीम एक्शन में आ गई है। आयोग ने राज्य के सभी जिलों के DM को पत्र लिखा है। पत्र में 27 जनवरी से पहले मतदान केंद्र का नाम मांगा गया है। बता दें कि बिहार में होली के बाद पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है, जबकि आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव से पहले राज्य के 38 जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। आयोग ने अपने पत्र में बूथ केंद्रों की मांग की है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में फाइनल तैयारी को लेकर आयोग ने ये सूची मांगी है। भारतीय रेलवे द्वारा बिहार में यात्रियों की सुविधा के लिए कई अनारक्षित ट्रेनें चल रही है। इनमें मेमो लोकल ट्रेनें शामिल है। इन ट्रेनों के लिए लोग मासिक सीजन टिकट कटा सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने ये जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार कोरोना को लेकर अभी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही है। ऐसी ट्रेनें आरक्षित, इसीलिए मासिक सीजन टिकट का उपयोग केवल अनारक्षित ट्रेन के लिए किया जा सकता है। मासिक सीजन टिकट नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को सफर करने के लिए अनारक्षित टिकट काउंटर से टिकट कटाने में परेशानी होती है। यात्रियों को घरों से काफी पहले निकलना पड़ता है। बिहार के गोपालगंज के स्थानीय प्रखंड के चक्रावा खास पंचायत में हुए 27 लाख के गबन के मामले में मनरेगा के कार्यपालक अभियंता, PO, रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, लेखापाल और कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। BDO संजय कुमार राय ने इन सभी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे पहले इन कर्मियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। अब थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि चकरावा खास पंचायत में सांसद और विधायक निधि से बनी 4 सड़कों को मनरेगा से कार्यान्वित दिखाकर 27.43 लाख की निकासी कर ली गई है। इस मामले में पंचायत के पूर्व मुखिया रामशंकर चौरसिया की शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कराई गई जांच में पता चला कि सांसद व विधायक मद से पूर्व में बन चुकी सड़क को मनरेगा से बनाने की कागजी खानापूर्ति कर पैसा निकाल लिया गया है। इसी में कार्रवाई करते हुए इन सभी के खिलाफ BDO के बयान पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के दरोगा सार्वजनिक और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही आयोग की तरफ से रिजल्ट प्रकाशित की गई है, लेकिन अब रिजल्ट के ऊपर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आयोग ने जो रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें एक ही सीरीज के रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। कई मामलों में एक ही सीरीज वाले अभ्यर्थियों के सफल होने से अब रिजल्ट पर सवाल उठना शुरू हो गया है, जिसके बाद अब यह कहना कठिन है कि यह महज संयोग है या सेटिंग। बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों पर 29 नवंबर को अभ्यर्थियों के लिए मेंस परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें 47,987 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें से 9,924 पुरुष और 5,307 महिला अभ्यर्थी सफल हुए, जिसमें कई रोल नंबर सीरीज में देखने को मिल रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का इनाम DGP SK सिंघल को मिल गया है। SK सिंघल अगले 2 सालों तक यानी 2022 तक बिहार के DGP बने रहेंगे। सरकार ने बकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले के आलोक में यूपीएससी के डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा की थी। उसी पैनल की अनुशंसा के आधार पर संजीव कुमार सिंघल को डीजीपी बनाया गया है। संजीव कुमार सिंघल अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 साल तक पद पर बने रहेंगे। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ, और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।